Center of mass linear momentum collision ka numerical 49. Two masses m1 and m2 are connected by spring of spring constant k and are placed on frictionless horizontal surface. Initially the spring is stretched through a distance x0. When the system is released from rest, find the distance moved by two masses before they again come to rest. तो ये सिस्टम मास m1 मास m2 और कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के. अब स्टार्टिंग में क्या किया है कि दोनों को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया. दोनों को एक्सटेंड करने के लिए हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उस फोर्स के कारण ये स्प्रिंग इलांगेट होगी. स्प्रिंग इस तरह से यहाँ पे जो थी वो इलांगेट होगी और दोनों का ब्लॉक का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. कितना डिस्टेंस बढ़ेगा तो m1 कहीं इतना डिस्टेंस चला जाएगा, m2 कहीं डिस्टेंस चला जाएगा. लेट से कि m1 कितना डिस्टेंस चला गया x1 और m2 कितना डिस्टेंस चला गया x2. तो दोनों का मिला के कितना डिस्टेंस हो गया, ये x1 प्लस x2 दोनों का मिला के x0 इतना डिस्टेंस हो गया. अब ये रिलीज करेंगे हम, ये उसकी नेचुरल लेंथ थी, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी. अब रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये जितने फोर्स से उनको एक्सटेंड किया था उतना ही फोर्स उस स्प्रिंग के अंदर आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स. और रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, उसे इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इसे इस डायरेक्शन में खींच रहा है. अब जितने फोर्स से उनको इलांगेट किया, जितने फोर्स के कारण एक्स नॉट इतना इलांगेशन आ गया, उतना ही फोर्स इसके बॉडी के अंदर आ रहा है. तो उतने फोर्स के कारण क्या होगा, ये बॉडी फिर से उतनी अंदर चली जाएगी, मतलब ये कंप्रेस होगी, ये कंप्रेस होगी और ये ब्लॉक यहाँ पे और ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, ए एम वन ए एम टू. मतलब नेचुरल लेंथ से, नेचुरल लेंथ से फिर ये जैसे इतना एक्स वन चला था, अब ये नेचुरल लेंथ से इतना एक्स वन चलेगा और ये भी एक्स टू चलेगा, मतलब और ये नेचुरल लेंथ. तो मतलब फिर एक्स वन प्लस एक्स टू क्या होगा, इतना एक्स नॉट, मतलब ये नेचुरल लेंथ. तो कितना चला था इधर, इतना एक्स वन और फिर नॉर्मल पोजिशन फिर एक्स वन. तो ये आया इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले मीन पोजीशन से इतना एक्स वन और फिर कंप्रेशन के बाद मीन पोजीशन से इधर एक्स वन, मतलब टू एक्स वन, मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सिस्टम, ट्रैवल्ड बाय सिस्टम कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सिस्टम इस ब्लॉक का 2x1 प्लस इस ब्लॉक का भी, इसे x2 डिस्टेंस से खींचा था, मीन पोजीशन पे आ जाएगा और फिर कंप्रेस होगा x2 से, मतलब 2x2. तो ये कितना आ गया, 2x1 प्लस x2, मतलब ये आ गया 2x0. इतना टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया सिस्टम का. तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय टू मासेस बिफोर दे अगेन कम टू रेस्ट. अब इसे रिलीज करने के बाद, रिलीज करने के बाद हम इसे छोड़ दे रहे, मतलब यहाँ पे जो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑसिलेशन जो होगा, वो स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स के कारण आ रहा है. रिस्टोरिंग फोर्स उसका इंटरनल फोर्स होगा, मतलब ये इंटरनल एनर्जी यूज करके वो ऑसिलेशन हो रहा है. तो यहाँ पे कोई बाहर का फोर्स नहीं है, और जब बाहर का फोर्स नहीं होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास में कुछ चेंज नहीं आ जाएगा. अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या होता है वो, मास m1 और उसका डिस्प्लेसमेंट x1, अभी ये 2x1 ले रहे, मास और ये 2x1 प्लस m2 और इसका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय m1 m2, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट. लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, वो जीरो आ रहा है. तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये m1 m2 यहाँ पे चला गया, तो ये m1 और ये 2 भी कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो ये m1 प्लस m2 यहाँ पे आके जीरो होगा. तो ये m1 2x1 प्लस m2 और ये 2m2x2 इज इक्वल टू, ये जीरो बन जाएगा. 2 भी कॉमन ले लेते हैं इस ब्रैकेट के बाहर और 2 भी यहाँ पे जाके डिवाइड होके ये जीरो बन जाएगा. तो ये इक्वेशन हमें मिल रहा है. और दूसरा इक्वेशन क्या मिल रहा है कि 2x1 प्लस 2x2, 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2x0. यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते, यहाँ पे लाके डिवाइड करते, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन 2. तो हमें x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है.
अब ये तो एक्स वन प्लस एक्स टू मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू ए आ गया, लेकिन यहाँ पे कंसिडर करना है हमें तो कंजर्वेशन, यहाँ पे इसका साइन भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये साइन कितना आएगा, ये इस डायरेक्शन में मोर आए तो ये माइनस आ जाएगा और ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो साइन कन्वेंशन यूज करते तो एम वन एक्स वन इज इक्वल टू होगा एम टू एक्स टू, अगर साइन यूज करते तो ये आ जाएगा एम वन एक्स वन चाहिए हमें क्योंकि यहाँ पे एक्स वन पुट करना है, तो एक्स टू की वैल्यू मिल जाएगी, तो एक्स वन मिल जाएगा ए एम टू और ये एम वन यहाँ पे डिवाइड होगा एक्स टू। अभी एक्स वन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, एक्स वन की वैल्यू पुट करें तो एम टू अपॉन एम वन एक्स टू प्लस ए एक्स टू इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो एक्स टू कॉमन ले लेंगे, तो एक्स टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी आएगा एम टू अपॉन एम वन और एक्स टू को बाहर ले लिया प्लस यहाँ पे वन और ये एक्स टू इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स टू फाइंड करना है। तो इसे थोड़ा सा इसका एलसीएम लेते हो तो ये एम वन इधर चला जाएगा, ये आएगा एम वन अपॉन एम वन, अब एम वन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स टू आ जाएगा ए एम वन, एम वन यहाँ पे और ये एम वन प्लस एम टू डिवाइड होगा और ये एक्स नॉट जो है ही ये आएगा एक्स नॉट। तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम वन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एम वन कितना हो जाएगा, तो ओ एक्स वन प्लस एक्स वन, ये टू एक्स वन ले रहे हैं हम, तो ओ अब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम टू कितना हो जाएगा टू एक्स टू, ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है यहाँ से मेन पोजिशन तक एक्स टू और फिर यहाँ पे एक्स टू मतलब टू एक्स टू डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये टू एक्स टू इज इक्वल टू आ जाएगा टू, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है एम टू का। उसी तरह से एम वन का फाइंड करते हैं, टू एक्स वन भी फाइंड करेंगे, यहाँ पे एक्स टू आ जाएगा ए एम वन एम टू यहाँ पे डिवाइड होगा ए एक्स वन, तो ए मिल गया एक्स टू। अब ये एक्स टू की जगह पे ए वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्स वन प्लस एक्स टू की जगह पे ए वैल्यू एम वन अपॉन एम टू और ए एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स नॉट को कॉमन ले लेते तो ए तो वन आएगा प्लस ए एम वन अपॉन एम टू और ए एक्स वन कॉमन ले लिया तो ये होगा एक्स नॉट। अब इसका एलसीएम लेते तो ये एम टू डिवाइडेड बाय एम टू हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय एम टू हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स वन कितना आ जाएगा एक्स वन फाइंड करना है तो ये एक्स वन आ जाएगा एम टू इधर मल्टीप्लाई होगा और ये एम वन प्लस एम टू डिवाइड होगा और ये एक्स नॉट। अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ए ब्लॉक एम वन टू एक्स वन, तो ये टू एक्स वन इज इक्वल टू यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है एम वन ब्लॉक ने।